महाराष्ट्र के एक नौजवान ने पानी वाले जहाज का एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जो सुनामी या किसी भी तूफान से टकराने के लिए तैयार होगा। जहाज में कोई सुराख होने पर भी समंदर में वो नहीं डूबेगा। अब नहीं डूबेगा कोई जहाज, चाहे सुनामी आए या तूफान, सबका करेगा सामना। समंदर की लहरों से टकराएगा जहाज, नहीं डूबने वाले जहाज का फार्मूला तैयार। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते हुए जहाज को ना तो लंगर की जरूरत होगी और ना ही किसी रेस्क्यू की, क्योंकि एक ऐसा फार्मूला तैयार है जो सुनामी से भी मुकाबला कर सकता है। फार्मूले के मुताबिक सुनामी हो या बड़ा से बड़ा तूफान, अब जहाज पर संकट के बादल नहीं मंडराएंगे। जहाज तेजी से समंदर के हिचकोलों को चीरता हुआ आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहेगा। महाराष्ट्र के एक नौजवान वरुण खंडारे ने इस फार्मूले को तैयार किया है। वरुण एक पैर से लाचार हैं, लेकिन हिम्मत और जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा है। पेशे से टेक्नीशियन वरुण ने 8 सालों की जीतोड़ मेहनत और लगन से इस फार्मूले को ऐजाद किया है। फार्मूला तैयार करने वाले नौजवान का दावा है कि टाइटैनिक समंदर में डूब गया था, लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो गई है। नौजवान का कहना है कि अगर फार्मूले को लागू किया गया तो बड़ा से बड़ा जहाज किसी भी झंझावत को झेलने के लिए तैयार होगा। जैसे टाइटैनिक में जहाज टूटने के बाद डूब गया था, तो मेरा ऐसा फार्मूला कि जहाज कहीं से भी टूट जाए, उसमें कोई से भी छेद हो जाए, लेकिन वो डूबेगा नहीं। उसका डीजल पेट्रोल कोयला भी अगर खत्म हो जाता, सुनामी भी आ जाती, तो भी उस जहाज बिना दिक्कत से चलेगा। फार्मूले के मुताबिक कोई भी जहाज समुद्र में डूबने से ही नहीं बचेगा, बल्कि जहाज की सतह के टूटने पर भी ये समंदर में अपने रफ्तार से अपने मंजिल की तरफ बढ़ता रहेगा। फार्मूले के मुताबिक जहाज में सुराख के बावजूद भी ये नहीं डूबेगा। देखिए, फार्मूले का सैंपल बता रहा है कि जहाज का एक कोना झुक भी गया तो जहाज की रफ्तार में कोई कमी नहीं आएगी। जहाज के पीछे का हिस्सा धंसने के बाद भी वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ता रहेगा। जहाज किसी भी हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। फार्मूला अगर कारगर हुआ तो वाकई ये दुनिया के लिए नायाब होगा। फिलहाल वरुण का ये फार्मूला भारत सरकार से पेटेंट हो चुका है, लेकिन ये मंजूरी के लिए बाट जोख रहा है। वरुण को तलाश पानी का जहाज बनाने वाली एक ऐसी कंपनी की है जो इनके फार्मूले पर यकीन कर नजरे इनायत करे और दुनिया में न डूबने वाली जहाज का निर्माण करे। तभी वरुण का सपना साकार होगा और इस फार्मूले को दुनिया में पहचान मिलेगी। अविनाश पांडे के साथ विनोद जगताले, मुंबई, न्यूज 24।